क्या हाल है पहले वेलकम बैक टू द चैनल और जैसे कि आपको पता है कि एन एफ टी क्यों में ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ आजकल स्पेशली लॉन्ग टर्म एन एफ टी जो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में वैल्यू प्रोवाइड करेगी जो होल्डर्स हैं उनको वैल्यू प्रोवाइड करेगी जो जो एन एफ टी की प्राइस है वो लॉन्ग टर्म में बढ़ सकती है राइट right? तो उसमें से जो एक प्रोजेक्ट जो मैं कवर करना चाहता हूँ इज़ दिस इसका नाम है ए ओ की वर्स नाउ ए की वर्स जो ए की जो नाम है एओकी एक बंदा है जिसका नाम है स्टीव एओकी ही इज़ आई थिंक वेरी पॉपुलर डी जे एंड आप देख सकते हो कि इंस्टाग्राम पर नाइन पॉइंट फाइव मिलियन फॉलोअर्स हैं यहाँ पर और अगर आप ट्विटर पर देखोगे तो अराउंड एट पॉइंट टू मिलियन फॉलोअर्स है तो वेरी फेमस पर्सनलिटी मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और जब इन एफ्टीज़ की बात आती है ना तो इट्स नॉट अबाउट की जे पेक्स मतलब जो पिक्चर है यू नो दैट डजेंट मैटर यू नो वॉट रियली मैटर्स कि उसके पीछे कौन है मैंने आज ट्वीट किया था कि इफ़ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एन एफ टीज और द वैल्यू वो एन एफ टी में वैल्यू क्या है तो आप पिक्चर सिर्फ सिर्फ पिक्चर से मत देखो सिर्फ आर्ट मत देखो बट वो आर्ट के पीछे कौन है बंदा वो टीम क्या है कितने जेन्यून लोग हैं कितने ऑनेस्ट लोग हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है वो वो देख के आप इन्वेस्टमेंट करो तो अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप देखा जाए तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ये बंदा ही हैज़ बिन वर्किंग इन द म्यूजिक इंडस्ट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम काफ़ी सालों से एंड दैट्स हाउ आई मीन एन नहीं होने के बावजूद भी इनके पास इतनी बड़ी फॉलोइंग है तो ऑफकोर्स ये वैल्यू बिल्ड कर रहे हैं एंड मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में आगे जाने के आगे में फ्यूचर में भी ये लोग ये वैल्यू बिल्ड करेंगे इनका विकीपीडिया पेज आप देख सकते हो कि इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो तो बेसिकली इनका जो प्रोजेक्ट का नाम है बाय द वे इन्होंने और ही इज़ डीप इनटू टू ओके सो ये बंदा आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ही इज़ अ एन इन्फ्लुएंसर आप बोल सकते हो क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट के साथ इनका पार्टनरशिप है uh, बहुत सारे ये प्रोजेक्ट ये होल्ड भी करते हैं एन एफ से उसमें से एक डूडल्स एन होल्ड करते हैं तो ये जब एक कोई डीजे इनका शो था तो वहाँ पे बेसिकली मैं इसको प्ले करता हूँ एक मिनट राइट सो बेसिकली इनका कोई शो था जहाँ पे इन्होंने शो रोका डीजे और वहाँ पे अपनी एन दिखा रहे हैं लोगों को राइट सो दिस ग क्रेजी अबाउट एन ओके सो नाव वॉट ही इज़ बिल्डिंग ये जो बना रहा है इसका नाम है ए की वर्स ओके okay. सो so, अभी मैं बात करता हूँ कि इसमें कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आपको भाग लेना है इसमें अगर आपको लगता है कि ये बंदे में वैल्यू है अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये बंदा काम करेगा और इसकी एन मुझे होडल करनी चाहिए तो कैसे करना राइट सो बेसिकली एओकी वर्स ये जो प्रोजेक्ट का नाम है और यहाँ पे फिलहाल इनकी ऑलरेडी एक एन है अगर ओपन सी पे जाओगे तो ये ऑलरेडी इनकी एन है एक एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है एओ की वर्स क्रेडिट्स ओके तो ये तो पहला तरीका था ऑफकोर्स ये बाय कर सकते हैं अगर आप किसी को पार्टिसिपेट करना है एंड ऑफकोर्स आप खुद की रिसर्च करो ठीक है बहुत सारी चीजें जो मुझे अभी तक क्लियर नहीं है मैं जितना मुझे पता है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि देखो तीन अगर हम लोग यहाँ पे एओ की क्रेडिट बाय करेंगे मतलब तीन क्रेडिट मिल रहा है जिसकी प्राइस जीरो पॉइंट टू थ्री एट इथेरियम ओके और ऐसे फिफ्टी थाउजेंड क्रेडिट्स ही होंगे टोटल सो so ये जो क्रेडिट्स हैं ये टोटल फिफ्टी थाउजेंड ही क्रेडिट्स है, टोटल, हैं टोटल ओके टोकन्स हैं फिलहाल नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैक्सिमम सप्लाई फिफ्टी थाउजेंड ये क्रेडिट्स हैं और ये क्रेडिट्स जो है रिडीम होगा रिडीम होगा किसके लिए पासपोर्ट्स के लिए सो so, जो पासपोर्ट है वो दैट विल बी दी एक्चुअल एन सो फिलहाल जो बिक रही है इट इज क्रेडिट ओके इट्स कॉल्ड ए जीरो ए जीरो के वन क्रेडिट और ये क्रेडिट कहाँ पे बिक रहा है ये ओपन सी पे बिक रहा है तो यहाँ पे देखो यहाँ आई थिंक मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे तीन क्रेडिट का यहाँ पे जीरो पॉइंट टू थ्री एट प्राइस है यहाँ पे तीन क्रेडिट है तो एक नहीं ले सकते तीन लेना पड़ेगा जीरो पॉइंट टू थ्री एट यहाँ पे प्राइस है तो अगर मैं यहाँ पे अपना वॉलेट कनेक्ट करता हूँ राइट सो so, देखो मैं इनकी वेबसाइट पे गया अपना वॉलेट कनेक्ट किया और यहाँ पे जब मैं क्लेम करने की कोशिश करता हूँ तो ये बोलता है यू डोंट हैव एनी टोकन्स टू क्लेम क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास ये एन ये जो क्रेडिट है है नहीं मेरे पास ओके तो शायद अगर मेरे पास होता तो यहाँ पर मैं ये क्लेम कर सकता था कुछ क्रेडिट्स राइट तो एनी anyway, इसके और भी एक तरीके हैं तो ये जो क्रेडिट होगा ये क्रेडिट कन्वर्ट होगा पासपोर्ट में तो अगर एक क्रेडिट है तो इंट्रा लेवल का पासपोर्ट मिलेगा चार क्रेडिट है तो इलेक्ट्रिक ग्रीन पासपोर्ट मिलेगा सिक्सटीन क्रेडिट है तो न्यून ब्लू मतलब जिसके ज़्यादा जिनके पास जितना ज़्यादा क्रेडिट है वो लेवल का इनका पास मिलेगा और ये पास के पासपोर्ट के बेनिफिट क्या है सो so, ये मेटावर्स एक्सेस करने को मिलेगा अगर इनका कोई पार्टनरशिप होगा आगे जाके फ्यूचर में एन प्रोजेक्ट के साथ तो उसमें मिंट करने का मौका मिलेगा अगर इनका जो इवेंट्स है जैसे कि डीजे इवेंट मैंने बताया तो वहाँ पे एक्सेस मिलेगा एक्सेस फ्री इवेंट्स आप देख सकते हो एंड ऑफकोर्स दिस इज अ लॉन्ग टर्म ओके दिस इज़ नॉट लाइक अ शॉर्ट टर्म इसीलिए मैं बंदा भी ऐसा चूज कर रहा हूँ जिनका ऑलरेडी ट्रैक रिकॉर्ड है डिजिटल कलेक्सीबल सो गेट फर्स्ट पायरटी एक्सेस टू सैंड बॉक्स राइट एंड एक्सक्लूसिव कम्युनिटी राइट एंड फिजिकल क्लोथिंग एंड कलेक्टिबल्सो या बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म में इनका प्लान क्या है क्या क्या एक्सेस आपको मिल सकता है और ये एन एफ टीज आप बेच भी सकते हो तो ये जो पासपोर्ट है ये बिक भी जाएगा तो मतलब अगर मैंने आज क्रेडिट ले लिया और मुझमें से कोई पासपोर्ट मैंने रिडीम कर लिया और ये पासपोर्ट रिडीम होगा फेबर ट्वेंटी सेकेंड के बाद सो so, अभी की जो प्रोसेस है ये जो सेल हो रहा है सब ओके okay? ये सब क्रेडिट कलेक्शन का प्रोसेस है और वो क्रेडिट से आप पासपोर्ट रिडीम कर सकते हो बास तारीख के बाद के बाद ओके okay? सो so, ये जो क्रेडिट है एक तरीका पहला तो ये है आई थिंक ये जो एन कलेक्टर्स हैं वो बाय करके क्रेडिट रिडीम कर सकते हैं दूसरा ये जो दूसरे कलेक्टर्स हैं फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी इसमें से एन एफ टी किया है जैसे टाइम पीसेस तो मैंने ट्रिपल एटीना सर्कल तो मैंने देखो मैंने ना दोच पाउंड होटल किया हुआ है तो मैं इसको मिंट करने की कोशिश करूंगा कुछ क्रेडिट मिंट करने की कोशिश करूंगा ओके okay? मुझे नहीं पता कि उसका प्राइस क्या होगा बट मैं ट्राई करूंगा रग रेडियो है मेरे पास तो मैं ये वो ट्राई करूँगा क्योंकि ये जो इनकी पार्टनरशिप है ये देख रहे हो होल्डर्स ऑफ द फॉलोइंग एनर्टी प्रोजेक्ट्स विल गेट अर्ली एक्सेस टू द क्रेडिट मिंट ऑन फेब्रवरी ट्वेल्थ मतलब कल जो है जितने लोग भी एक कम्युनिटी को है जिन, जिन, जिनके पास ये सब है NFTs, उनको पहले मौका मिलेगा क्रेडिट मिंट करने का उसकी प्राइस क्या है पे कि हाउ मेनी क्रेडिट कैन आई परचेज सो से अगर आपके पास इसमें से कोई भी तो आप कितना परचेज कर सकते हो तो इसका यहां पे आंसर है तो ये तो पहले तो पार्टनरशिप के पास जाएगा और बाद में पब्लिक सेल के पास भी जाएगा तो ये देखो पहला एग्जिस्टिंग कलेक्टर्स ओके सो जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ये वाली NFT, पहले वो लोग क्लेम करेंगे क्रेडिट्स ओके okay? उसके बाद पार्टनर जो ट्वेल्थ फेब्रुवरी से फोर्टीन तो जो भी इनमें से कोई एन एफ टी होटल किया है वो लोग क्लेम करेंगे फेब्रुवरी फिफ्टींथ को पब्लिक सेल के लिए जाएगा तो जस्ट इनकेस अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें तो आप फेब्रुवरी फिफ्टींथ को शायद आप क्रेडिट इसको बाय कर पाओगे और आप वो क्रेडिट क्या करोगे क्रेडिट बाय करके वो क्रेडिट से आप पासपोर्ट के लिए रिडीम करोगे जो आप ट्वेंटी के बाद करोगे अगेन ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना सिंपल हो सके तो यस द होल पॉइंट इज दिस दैट आई थिंक कि ये बंदा इतने सालों से इंडस्ट्री में है म्यूजिक इंडस्ट्री में आई थिंक इसकी एनएफटी लॉन्ग टर्म में वैल्यू बिल्ड होगी और प्राइस भी बढ़ेगा एंड आई थिंक काफ़ी लोग उसको बुलिश करेंगे इनकी पार्टनरशिप भी काफ़ी हो रही है तो मुझे लगता है ये एन प्रोजेक्ट अच्छा है ओके एंड फाइनली आई जस्ट वॉन्ट टू से अगर आपको ज़्यादा समझना है कि ये एन एफ क्या है तो इसका इनका एक इंटरव्यू हुआ है एडम लेवी चैनल ये तो इसका मैं लिंक डाल दूंगा तो स्टीव एओकी का क्या प्लान है ए एन को लेके ये सारी बातें इन्होंने किया इनका डिस्कॉर्ड चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो हालांकि मैंने ज्वाइन किया लेकिन मेरे को यहाँ पे परमिशन नहीं है सो so आई थिंक जिन्होंने एन एफ होटल किया उनके लिए परमिशन है तो मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं मिल पाई बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस पब्लिक सेल जो हो रहा है ट्वेल्थ को और ऑफ कोर्स मेरे पास क्योंकि ये एन एफ है तो मिंट करने की कोशिश करूंगा मैं ये पासेस एनी वे थैंक यू सो मच गाइज अगर आप रिसर्च करते हो लेट मी नो योर कॉमेंट थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ये बंदे के ऊपर थोड़ा रिसर्च करो लेट मी नो वॉड यू थिंक I'll see you in the next video. Take care. Good night.